हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेक स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। नेक स्पॉन्डिलाइटिस में व्यक्ति के नेक के हिस्से या जिसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं, वहाँ के स्पाइंस में इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से वहाँ पर सूजन की शिकायत होती है और दर्द की समस्या आती है। अगर सर्वाइकल रीजन में कोई नर्व कॉम्प्रेस हो रही होती है, तब इन लोगों के हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकता है या सुन्नपन की शिकायत हो सकती है या हाथ और पैर बहुत कमज़ोर महसूस हो सकते हैं। ये सारे लक्षण इन्हें शोल्डर रीजन में भी हो सकता है। और नेक स्पॉन्डिलाइटिस में जब नर्व नहीं दब रही होती है, नर्व दबने की शिकायत नहीं हो रही होती है, तो सिर्फ व्यक्ति के गर्दन में अकड़न की शिकायत होती है या जब जब वो अपना गर्दन मूव करता है तब तब उसे दर्द होता है। कुछ लोगों में लड़खड़ाने की भी समस्या आ सकती है, वो लोग अपनी बॉडी का बैलेंस खो देते हैं। और कुछ लोगों में के यूरिन और स्टूल में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये लोग यूरिनरी ब्लैडर और बॉबल पर से कंट्रोल खो देते हैं। दोस्तों, जब इन लोग के दर्द में होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से इन लोग के दर्द में आराम आ जाए, तब इन लोगों को नेक की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि नेक के आसपास की मसल्स मजबूत हो जाती हैं और नेक स्पॉन्डिलाइटिस के सभी लक्षणों से इन्हें आराम मिल जाता है। आपके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ जय हनुमान, जय होम्योपैथी।